क्वेश्चन में कह रहा है कि दो प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव है जो कि सेम डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहे हैं, जिनका एम्पलीट्यूड है ए एंड 2a, और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो है पाई बाय 3। तो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताना है, ठीक ना। तो हमें गिवन क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव वन मतलब ए वन दे रखा है कितना a, और ए टू कितना, ए टू दे रखा है 2a, और फेज डिफरेंस कितना दे रखा है पाई बाय 3, बोले तो 60 डिग्री, है ना। पाई बाय 3 रेडियन मतलब 60 डिग्री। तो नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ए नेट इक्वल टू रूट अंडर ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस 2 ए वन ए टू कॉस 5। ठीक, ए वन कितना हो गया, ए का स्क्वायर प्लस 2 ए का स्क्वायर प्लस 2a cos 60। तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 1/2, इससे कैंसिल 2, तो कितना हो गया a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7a स्क्वायर। तो a कॉमन मतलब ए रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट 7 टाइम्स ए, ये हमारा ए नेट हो जाएगा। क्लियर।